हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, क्या होता है अगर एक मॉनिटर को, एलईडी को हम विदाउट सीपीयू के सीधा पावर देते हैं, क्या डिस्प्ले में कुछ शो होता है या नहीं? आज की वीडियो में यही जानेंगे, क्योंकि मेरे पास अभी कोई सीपीयू नहीं है और यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास एक एलईडी नया रखा हुआ है और मैं आज इसी एलईडी को, जो कि हमारे पास है tech.com का, इसी एलईडी को हम पावर देंगे। ये इसकी पावर केबल है और इसको पावर देकर हम देखेंगे कि क्या हमारा ये मोनिटर चल पाता है विदाउट सीपीयू के, या कुछ इंटरफेस क्या आता है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसको कनेक्ट कब किया जाता है और कनेक्ट कहां पर किया जाता है, वो सब भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको सबसे पहले बोलना चाहूंगा कि आप इस तरीके से आप ट्राई भी मत कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट पड़ता है हमारे मोनिटर पर जब हम इसको पावर देते हैं, क्योंकि विदाउट सीपीयू के ये इम्पॉसिबल होता है। ये मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ और एक बार मैं आपको पावर आपके सामने ही देखे देखता हूँ। ये पावर केबल है इसकी और यहाँ पर हमारा लाइट बोर्ड लगा हुआ है और हम इसको लाइट देते हैं। तो हमने इसको लाइट में लगा दिया है इसको बोर्ड को और इसको ऑन करते हैं। इसको ऑन किया और ऑन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर बत्ती आ चुकी है और यहाँ पर लिखा हुआ है नो सिग्नल। ठीक है, अगर आपको नहीं दिखा तो यहाँ पर दिखा दूँ मैं आपको, ये बत्ती आ चुकी है इसमें और ये यहाँ पर पावर ऑन ऑफ बटन है इसके नीचे ही साइड में परली तरफ। तो ये दबा ये है इसका बटन, तो मैं ये दबा दिया हूँ तो अब लाइट बंद हो रही है, और फिर से दबाता हूँ तो अब लाइट चालू हो जाती है। और अब देखते हैं क्या लिखा हुआ था। तो ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है नो सिग्नल, यानी कि अभी हमारी एलईडी पूरी तरीके से कनेक्ट नहीं हुई है। तब तक हमारी एलईडी सीपीयू के साथ कनेक्ट नहीं हो जाती, तब तक हमारी एलईडी पूरी तरीके से डिस्प्ले नहीं आएगी हमारी एलईडी में। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी एलईडी कहाँ से कनेक्ट होती है सीपीयू के साथ। ये मैं आपको इसका बैक घुमा देता हूँ। मेरे पास आप देख सकते हैं ये एक मॉनिटर एलईडी है और ये यहाँ पर इसका पावर केबल है, जो पावर जिससे मैंने दी, ये पावर केबल इसमें लगा हुआ है। एंड इसी के पास में आप देखेंगे, मैं इसको थोड़ा सा झुका लेता हूँ, इसी के पास में आप ये देखेंगे कि यहाँ पर ये देखिए आप, ये जो आप इसका एक जैक सा देख रहे हो, इसी में आपका सीपीयू कनेक्ट होता है। एंड उसके साथ साथ इसमें और कुछ भी फंक्शन नहीं है, सीधा आपका सीपीयू यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा और आपकी एलईडी चालू हो जाएगी। सो गाइस, इस तरीके से आप देख सकते हैं अपने एलईडी को ट्राई करके। अगर आपको लगता है कि हमारा एलईडी सही है, तो जब आप ये जानना चाहते हैं कि आपका एलईडी सही है या ख़राब, तो आप पावर दे दीजिए इसको एक बार, और पावर देते ही आपको जब इसकी ऑन ऑफ चालू हो जाए, यानी ऑन ऑफ में लाइट आ जाए, उसके बाद देखें यहाँ पर नो सिग्नल लिखा हुआ है, यानी कि इसको अभी कोई भी टावर, कोई भी सिग्नल नहीं मिला हुआ है, इस वजह से नो सिग्नल लिखा हुआ आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।